इस बार दिल्ली का वोटर होने के नाते आपके क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? हमारा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य होना चाहिए। इसकी मांग सबसे पहले बीजेपी ने भी उठाई थी, लेकिन जब बीजेपी को लगा कि अब हम आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते तो उन्होंने उस मुद्दे को दबा दिया। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती है तो दिल्ली सरकार को सारे के सारे अधिकार होते काम करने के लिए। अब जो थोड़े बहुत अधिकार थे भी काम करने के लिए, तीन अधिकार थे जिनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, बाकी सब दिल्ली के। अब इन्होंने क्या करा कि ऑर्डिनेंस पास करके दिल्ली सरकार के सारे के अधिकार दिल्ली उसका एलजी को कर जगह दी। अब सीएम जो है वह हाथ में वो न वो किसी की पोस्टिंग कर सकता है, न किसी का ट्रांसफ़र कर सकता है, न कोई काम सकता है। हर काम के लिए एलजी के पास जाओ साइन के लिए। एलजी साहब क्या करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठ जाते हैं महीना। अब ये समझ लीजिए कि 800 से ज़्यादा फाइलों को 2.5-3 साल तक ये दबा के रखे। दिल्ली सरकार का सारा का काम इन्होंने ठप कर दिया। हर चीज़ में अड़ंगा लगाना। कोई भी काम हो हम नहीं करते जी। अब किसी पानी पीना है क्या? अरे हमसे पूछिए जी, पानी पीना है कि नहीं पीने? अरे पानी पूछने की बात पीने की नहीं जी, आप इनसे तो पानी पीने थे, ये मटका आपका नहीं है जी। तो ये तो कोई बात नहीं भाई, हमने अपने मुख्यमंत्री को चुना है, दिल्ली की जनता ने 3 साल तक अपने मुख्यमंत्री को, उनको अपने काम करने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। अगर मुकाबला करना है तो दिल्ली सरकार से मुकाबला कीजिए, सरकार से मुकाबला कीजिए कि भाई आप ये काम कर रहे हो, हम आपसे बेहतर काम करके नहीं देंगे। दिल्ली सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, इन्होंने क्या करा, 350-450 का सिलेंडर आता था, उस पर 150 रुपये की सब्सिडी लगाकर 300 रुपये का सिलेंडर, और आज वो सिलेंडर 1150 रुपये का कर रहे। मेरा बीजेपी वालों से खुला चैलेंज है कि ठीक है, हम अरविंद केजरीवाल का वोट देते हैं, हम अरविंद के वोटर हैं, हम अपने मुद्दे के वोट देने, आप उनके खुला चलो, आप मोदी जी से बोलिए कि मोदी जी हम आपको वोट देने, आप हमें 450 का सिलेंडर दे, दिखा देंगे। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा आप मान, हमारे मुद्दे यही है कि हमारा मुद्दा एक विकास के मुद्दे पर बात करें। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वायदे किए हैं वो सारे के सारे उन्होंने वायदे किए हैं। अच्छा, स्कूल बनाने की, महंगाई की, वो सब चीज़ को उन्होंने काफ़ी है तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, हमारे मुद्दे यही हैं, एक विकास, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाती है तो दिल्ली सरकार के पास सारे के सारे काम अधिकार आ जाएंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं सरदार जी या फिर आम नागरिक हैं? आम आदमी का अभी हुए कार्यकर्ता, जब बीजेपी वाले बेइंसाफी कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? बीजेपी का 30 साल से था, अब नहीं हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बीजेपी गलत काम कर रही है। देखो, ऑनेस्ट आदमी, पढ़िया लिखा विद्वान आदमी, उन्हें पढ़ के बिना मतलब अंदर दे दोगे? और एक चीफ मिनिस्टर, और वो भी वोटा पाने दे विच, वो तो डर रही है बीजेपी। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप 30 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आपका समर्थन आम आदमी पार्टी को, ऐसा कह रहे? आम आदमी पार्टी के हो गए, क्योंकि जहां भी आम आदमी पार्टी जाती है, पंजाब में जाती 92 मिलते उसको, बीजेपी को मिलते 2, इसलिए डर गई है आम आदमी पार्टी से। गुजरात में 13% वोट मिली है आम आदमी पार्टी को, 4 MLA बने, और वहां पे गोवा में 2 MLA बने इनके, और पता नहीं कितने काउंसलर बनते हैं जा रहे। ये वेरी फेमस आदमी हो रहे हैं, वेरी ऑनेस्ट और वेरी फेमस आदमी है, इसलिए बीजेपी डरी है, तो इससे डरी है। बीजेपी का साथ फिर आपने क्यों छोड़ दिया एज अ कार्यकर्ता? जब गलत काम करेगी, बेइंसाफी करेगी, तो हम बीजेपी का साथ छोड़ेंगे ही ना, क्या उसके साथ कैसे रहेंगे फिर?